सभी को सादर नमस्कार। मैं सानिध्य आज आपके सामने कक्षा 10वीं ब का छात्र वीर गाथा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के माध्यम से कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बारे में संक्षिप्त परिचय लेकर आया हूं। कैप्टन मनोज कुमार पांडे भारतीय सेना के वे काबिल अधिकारी थे जिन्हें सन 1999 के कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रूढ़ा गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई जहां से उनमें अनुशासन एवं देश प्रेम की भावना संचारित हुई जो उन्हें परमवीर चक्र सम्मान के उत्कर्ष तक ले गई। बचपन से ही मनोज पांडे की माँ उन्हें वीरता एवं सत्चरित्र की कहानियां सुनाया करती थी और उनका हौसला बढ़ाती थी कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी है। पढ़ाई पूरी कर जब वे गोरखा राइफल्स रेजिमेंट के अधिकारी बने उस समय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के चॉइस कॉलम में लिखना होता था कि वे जीवन में क्या बनना चाहते हैं। जहां एक और सब लिख रहे थे कि उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, उन्हें विदेशों में पोस्टिंग चाहिए आदि आदि, वहीं दूसरी ओर उस फॉर्म में इस बहादुर बेटे ने लिखा कि उन्हें केवल और केवल परमवीर चक्र चाहिए। इस तरह से उन्होंने कैरियर के शुरुआत में ही अपनी दृढ़ इच्छा जाहिर कर दी थी। एक बार जब उनकी बटालियन को सियाचिन भेजा जा रहा था तब मनोज युवा अफसरों की ट्रेनिंग पर थे। वह इस बात से परेशान हो गए कि ट्रेनिंग की वजह से वे सियाचिन नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने इस कठिन दौर में अपने कमांडिंग ऑफिसर को पत्र लिखते हुए अपनी इच्छा जाहिर की कि अगर उनकी टुकड़ी को उत्तरी ग्लेशियर की ओर भेजा जा रहा हो तो उन्हें बाना चौकी दी जाए और अगर उनकी टुकड़ी को सेंट्रल ग्लेशियर की ओर भेजा जा रहा हो तो उन्हें पहलवान चौकी दी जाए। दरअसल ये दोनों चौकियां बड़े ही कठोर हिम्मत की मांग करती हैं और मनोज पांडे यही चाहते थे। आखिरकार 19,700 फीट ऊंची पहलवान चौकी पर उन्हें भेज कर अपनी इच्छा पूरी की गई जहां वे अपनी पूरी हिम्मत व जोश के साथ काम किए। आखिरकार सन 1999 में जब पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध हुआ तब ऑपरेशन विजय के तहत सबसे कठिन मोर्चे में से एक खालूवाल मोर्चे की जिम्मेदारी गोरखा राइफल्स को दी गई जिसकी अगुवाई करते हुए मनोज पांडे का जूझ गए और मोर्चे को विजय दिलाकर ही माने जिससे पाकिस्तानी सेना के पांव खड़ गए। हालांकि इन कोशिशों में उन्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी। वे मात्र 24 वर्ष की आयु में देश को अपने वीरता और हिम्मत का उदाहरण दे गए। कारगिल युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें सेना का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज सारा देश उनकी बहादुरी को प्रणाम करता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।